जिला सोलन में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला जिला सोलन के गंबर पुल का है, जहां पर शनिवार रात्रि काले तेल से भरा टैंकर पुल से नदी में गिर गया, जिसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि गंबर पुल का पुल मौत का पुल बना हुआ है। बीते माह भी भाई बहन एक गाड़ी में जा रहे थे, वह इस पुल से नदी में गिरकर उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस स्थान पर असंख्य हादसों में कई लोगों की जान चली गई है। इस क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के नगण्य इंतजाम किए गए हैं। इसी के विरोध में गंबर पुल के आसपास के गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो मांग की कि इस स्थान को कैसे भी जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए। वह आए दिन अपनी आंखों के सामने ऐसे हादसे नहीं देख सकते। ग्रामीणों का प्रशासन के प्रति खासा रोष देखने को मिला। का वो नहीं हमारा भी, हम बार बार ही यहाँ पे काम करते रहेंगे भी, हम डेड बॉडी ढोते रहेंगे या रात दिन परेशान होते रहेंगे। सरकार ने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं। कितने साल हो गए यहाँ से एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पुल के चक्कर में, है हर महीने बाद एक्सीडेंट। अभी साजी को, इसी साजी को गाड़ी गिर गई थी पर बच गई, इसी साजी को 5-6 दिन पहले, वो भी टैंकर ही था, तो वो कैसे बचा? अब तक ये पुल चौड़ा होना चाहता है, अब ये थोड़ा ना भी अभी जैसे चला एंगल लगा दिए चार और ये बंद एंगल से साइकिल भी नहीं। अब क्या प्रशासन स्थाई समाधान चाहते हैं, तब तक मतलब खुलेगा नहीं, तब तक भी खुलेगा जब तक हमारे पास यहाँ प्रशासन ना कोई हमारे को लिख के ना दे कि हम पुल बना रहे हैं। नीचे क्या होते हर 15 दिन महीने से क्या यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, हाँ जी है ना, इसी की किन किन की माँ के बच्चों के बच्चे भी इतनी मौत हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। 20 सालों से अब क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हम जा रहे हैं पूल कर दे, हमारे को पूल चाहिए, हमारे को यहाँ और खुला खुला पूल होना चाहिए। अब मतलब लिखे आश्वासन नहीं चाहिए आपको, अब लिखित में रोड कभी खुलेगा जब यहाँ पे प्रशासन खुद लिखे नहीं। 3-3 मरते एक बार में, 3-3 अच्छा एक अभी पीछे जैसे आपके यहाँ किसी